भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज पटना सिटी भाजपा नेता के घर पहुंचे, जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाजपा नेता के घर पहुंचे हैं। पटना सिटी के जो भाजपा के नेता थे मुन्ना बाबा, जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी, उनके परिजनों से आज उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनके साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मौजूद थे और भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बताएं कि जो मृतक मुन्ना बाबा के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि भाजपा का पूरा परिवार इस घटना से मर्माहत है। वरीय पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की है और इस घटना में जो भी शामिल हैं, जो भी अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सुनिए। जी का जो हत्या हुआ है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है मर्माहत है और उनके परिवार के साथ संवेदना के साथ खड़ी। जिस तरह की घटना घटी है, लोगों ने उसी दिन सीनियर एसपी से बात की और इसमें जो हत्या के जो लोग भी साजिश करता है वो सभी करीब करीब पता चल चुका है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और इस तरह की घटना नहीं घटे इसके लिए सरकार पूरी चिंता कर रही है और जो लोग भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। स्पेशल उसको जो है ये करके ट्रायल करके उसको सजा दी। घटनाएं तो लगातार बिहार में हो रही है, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है, उसके लिए हम लोग मर्माहत हैं और बहुत दुखी हैं कि इस तरह की घटना नहीं घटे, इसकी चिंता सरकार भी कर रही है हम लोग। तो सुन लिया आपने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार जो है इसे लेकर चिंतित है और जो दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों पर जो है नकेल कसी जा रही है सरकार में। हालांकि जिस तरह से इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अगर हत्या की बात वारदात हो या फिर पटना राजधानी की बात करें तो छिनतई की वारदातों में इजाफा देखने को मिला था और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, हमला बोल रहे हैं सरकार पर और कह रहे हैं कि सरकार जो है क्राइम कंट्रोल करने में विफल है, वो क्राइम बुलेटिन भी जारी करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बीच जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुन्ना बाबा, जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है और कहा है कि इस कांड में जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सरकार इस मामले में पूरा न्याय करेगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।